हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग बाय विथ अंशु रॉय। एंड येस, आज वो दिन है जब मैं लखनऊ से निकल रही हूँ। दो माई प्लान वॉज टू स्टे टू नाइट ऑल्सो, बट ऑल ऑफ सडन लाइक आई थॉट टू लीव। ये देखो कितनी प्यारी सी सनराइज़ मेरे फेस पे आ रही है। रूम व्यू बहुत ही अच्छा है, यू नो, लाइक यहाँ का विंडो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इस टाइप से लार्ज विंडो, सो मुझे अच्छा लग रहा है। बट येस, लाइक सैडिंग पार्ट ये है दैट आई एम लीविंग दिस प्लेस टुडे, एंड दो इट वाज नॉट माई प्लान टू, यू नो, लाइक लीव दिस प्लेस टुडे, बट द थिंग इज़ लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी लाइक ही इज़ लीविंग फॉर दिल्ली, सो आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो लीव अलॉन्ग विद हिम। अकेले जाने से बेटर है कि कोई कंपनी मिल जाए, सो आई एम गोइंग टुडे। दो मेरी रूम यहाँ की बुक थी आज के लिए, भी कल की चेकआउट थी, बट मैंने ये प्लान चेंज कर दिया है। एंड ये प्यारी सी कोजी सी कंफर्टेबल सी रूम को छोड़ के जाना नॉट एन ईजी जॉब, राइट, बट स्टिल आई एम गोइंग। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा सामान जा चुका है नीचे, एंड ये है अटायर जो मैं कैरी कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैं पहन के निकल रही हूँ। मैंने सोचा कुछ अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवा लूँगी मैं, सो इसलिए मैंने इसको कैरी करा है। आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये। सो गाइज़, आई होप आपको ये मेरा अटायर अभी का अच्छा लगा होगा। एंड अभी मैं निकलती हूँ, ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि 12 बज चुके हैं एंड मैंने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। सो निकलते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे बाहर पहुँच के। ओके, स्टे ट्यून्ड इन व्लॉग गाइस, एंड बहुत सारा प्यार दो गाइस। इतना आप लोग के लिए मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ, लखनऊ आया, सोचा आपको घुमाऊँ तो थोड़ा सो गाइस प्यार तो बनता है ना, आप भी दो यार, तभी तो मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा, राइट। एंड लव यू, आई लव यू, यू हैव टू शो मी योर लव, राइट। सो आप चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहिए गाइस। चलो मिलते हैं पहुँच के। प्लीज़, ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है विद टी, पोहा विद चाय, जो मुझे पसंद है। एंड ये लोग इतने स्वीट है कि मैंने इनको बोला मुझे बस 10 मिनट्स में चाय और पोहा चाहिए, और उन्होंने जल्दी से ले भी आया। सो दैट्स सो स्वीट ऑफ देम, थैंक यू टू दिस होटल पीपल जो बहुत अच्छे से मुझे इतनी अच्छी खातिरदारी करी, सो थैंक यू। क्या चाय है यार, मज़ेदार चाय है। एंड ये मेरा पोहा। सो गाइस, चलो मैं खाती हूँ एंड जल्दी से निकलती हूँ। प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे निकलना था बट कार पंचर हो गई, सो मैं वेट कर रही थी। 1 बज चुका है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, सो मैंने सोचा फटाक से कुछ खा के निकलते, अदरवाइज इतने भूखे रहना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो चलो गाइस, बाय। गाइस, कितना अच्छा सा इंस्टीट्यूट है, आई गेस ये प्री स्कूल है। एंड निकलते हैं टुंडे कबाब खा। सो गाइस, टुंडे जब से आई तब से बिल्कुल भी नहीं खाया हमने, एंड हर कोई मुझे कॉल करके कह रहा है तू लखनऊ में होके टुंडे नहीं खाई है। सो वी आर जस्ट गोइंग बिफोर लीविंग, यू नो, टू टेस्ट द एक्चुअल टुंडे ऑफ लखनऊ। सो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पहुँच के आपसे। ये है यहाँ का रिंग रोड जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कितना टाइम लगेगा यहाँ से वैसे पहुँचने में? काफ़ी दूर है, 10 मिनट और। ओके, मैं पहुँच गई हूँ टुंडे कबाबी के पास, टुंडे कबाब खाने। सो लेट्स सी हाउ इट गोना बी। Oh wow, I love Tunday Kababi. So it's a nice location even. Let's see how's it inside. First floor ना? ये lift लगी हुई है? Okay, thank you. Okay, शराब पीना या पी कर आना सख्त मना है। Okay, good. चलो गाइस, लिफ्ट आ चुकी है एंड चलते हैं टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट में टुंडे कबाब खाने। ओह वाओ, सो आई लव टुंडे कबाबी। एंड यहाँ पे सारे सेलेब भी आते हैं। ओह वाओ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, मोहम्मद उस्मान, राजेश खन्ना, सब यहाँ पे आ रखे हैं। अमिताभ बच्चन, एवरीवेयर, एवरीवन, कपिल देव, रणबीर कपूर भी वन, वाओ दैट्स गुड, अली फैजल। सो चलते हैं, देखते हैं मोहम्मद उस्मान टुंडे कबाबी। सो इस टाइप का है रेस्टोरेंट। ओके, सो ये है यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत डिफरेंट सा है वैसे तो, कंप्लीट रेड 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 थी। नाइस। अंदर बैठूं? ओके है, सही है। तहज़ीब फैमिली रेस्टोरेंट, ओके। सो उन्होंने मुझे बोला आप अंदर बैठिए। सो ये रेस्टोरेंट है, नाइस। एंड ये हर जगह लिखा हुआ है। ओह, ये सही है, दिस इज़ नाइस। दिस रेस्टोरेंट इज़ रियली 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 लुकिंग नाइस। ये क्या लिखा हुआ है गाइज मुझे तो नहीं पता, अगर आप लोगों में से किसी को समझ आता है तो प्लीज़ बताना। ये है यहाँ का मेन्यू। सिंस 1905 टुंडे कबाबी चौक अमीनाबाद अलीगंज एंड दुबग्गा नाउ लुलू मॉल। ओके, तो इसके दो ब्रांचेज एक्चुअली, हम अमीनाबाद में नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। सो ये है थोड़ा सा इन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है अपने बारे में एंड इनका मेन्यू काफ़ी सही मेन्यू है वैसे देखा जाए तो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनफैक्ट यहाँ पे वेज के भी ऑप्शंस आपको अच्छे मिल जाएंगे। सो लेट्स सी फूड कैसा होता है वो तो मैं आपको टेस्ट करके ही बताऊंगी। सो लाइक बेसिक ही हैं सारे आइटम्स बट टेस्ट वाइज इट विल डिफर। सो लेट्स सी। तो चलो गाइस आने दो, टेस्ट करके बताते हैं कैसा होता है। वेट करते हैं। ऑर्डर कर दिया है हमने, मटन बिरयानी भी खाऊँगी मैं यहाँ का, बट पहले तो टुंडे कबाब खा के देखते हैं एंड साथ में कोरमा वगैरह। तो ये बताते हैं आपको कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। ये है यहाँ का फाइनली टुंडे कबाब और ये मटन कोरमा। ओके एंड वाह, यहाँ का ये देखो पराठा, इट्स टू बिग। चलो गाइस खाती हूँ मैं। So, एक पराठा आई विल हैव फर्स्ट with some mutton korma. And this kebab. चलो मैं खा के मिलती हूँ। Try this tunde. And some onion. Roll it. And then eat it. I guess it's gonna taste better in this way. बिरयानी भी हमने मंगवाया है जो कि है चिकन बिरयानी। ये देखो यहाँ पे टुंडे कबाब इतने सारे और यहाँ पे बनाते हैं। अगर टेक अवे लेना होता है तो आपको नीचे आके यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है। एंड ये पराठे बनाते हैं इस टाइप से। सो गाइस सीपी ऑफ यूपी हम पहुंचने वाले हैं। तो वो हजरतगंज है बट मुझे वो सीपी का एक पार्ट लगता है। सीपी मीन्स कनॉट प्लेस, जो लोग भी दिल्ली में नहीं रहते उनके लिए। और यस, हिंदी संस्थान आ चुका है। ये मेट्रो का लाइन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली कंस्ट्रक्टेड है कंपेयर टू दिल्ली। अलग दिख रहा है यहाँ पे, वैसा दिल्ली में नहीं दिखता। यहाँ पे नीचे इस टाइप से मेन रोड से ही बिल्कुल कनेक्टिविटी है ना, सो मे बी इसलिए। बट बहुत ग्रीनरी है लखनऊ में। सो गाइज ये है यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाली जगह कह लो, आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। और हम सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें। यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा ना हमें, देखते हैं। अच्छा है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक पहली बार आई गेस दूसरी बार मैं फ़ील कर रही हूँ लखनऊ में। कल भी आफ्टरनून में थे, आफ्टरनून में ट्रैफिक होती है। हजरतगंज है ये। एंड गाइज ये यहाँ का ताज महल होटल जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ओह माय गॉड, कभी यहाँ रुकेंगे यार, इट्स वेरी नाइस। अब मुझे ये अच्छे से प्लेस को छोड़ के जाने का टाइम आ चुका है। तो आई गोना मिस दिस प्लेस डेफिनेटली।